समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा कुनरकी विधानसभा सीट के उपचुनाव हेतु अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने के साथ ही पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। याद दिला दें कि समाजवादी पार्टी ने बृहस्पतिवार को ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की और दोपहर को पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान ने पार्टी नेताओं और समर्थकों की भारी भीड़ के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उन्होंने अपना नामांकन पत्र समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जय वीर सिंह यादव, एडवोकेट पूर्व मंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि एवं अन्य सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम संत राम पवार को पेश किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष देवी सिंह यादव के अलावा बाबू मंसूरी, यासीन मलिक, मोहम्मद असलम, मोहम्मद सिराज एवं विनोद कुमार विकल एडवोकेट सहित अन्य सपा नेता व कार्यकर्तागण भी उपस्थित रहे। अरे वो तो पहला गलती कर ली, वो तो हो गई गलती और मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ। मुझे लड़ना नहीं था, अगर मैं न लड़ा होता तो लोकसभा का मेंबर ना होता, तो दिल्ली में ना बैठा होता। वो गलती हुई, गलती हो और उस गलती को हमने सुधार लिया, फिर अपने घर में वापस आ गए। जिस घर से भाग गए थे उस घर में फिर आ गए, तो कहाँ जाएंगे। और अब तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना ना कहाँ कहाँ कहीं से। इससे क्या होता, 15 आ जाओ ये कमरे लड़े तुरक, ये लड़े कब नहीं हो 15 तीन तीन चार चार तुरक, हमेशा तुरक ही लड़ते मुकाबले पे। पिछली बार 2017 में अकबर साहब लड़े थे, उससे पहले क्या नाम शरीफुद्दीन पाशा लड़े थे, उससे पहले उसी में जो वो लड़े थे आपके अब्बास साहब लड़े थे, शरीफुद्दीन पाशा लड़े थे बसपा से, और एक तुरक तो वो विदेश से आ गए संबंध में बेचारे तुरक ही कम बूब नहीं। हमारे यहाँ तो हमारी तहसील में कोई बूब ना है ना। अरे और किसकी बात कर रहे हैं, दूसरे जो बसपा से आए हैं वो हमारी बिरादरी कब है, वो हमारी तहसील में ना आई बिरादरी, हमारी तहसील में प्योर बिरादरी। अच्छा सामने भाजपा ने ठाकुर रामवीर सिंह को नॉमिनेट किया, ये तो पहले भी लड़े ठाकुर रामवीर सिंह को, नहीं लड़ने आज 2012 में मैंने गिराया, 2017 में मैंने गिराया, इंशाल्लाह 2024 में गिरा दूंगा। पहले आप बसपा से लड़े आप, अरे उससे क्या मतलब, बसपा के नाम में मतलब बसपा का सीधी सीधी बात करो, मतलब बसपा से क्यों हो गई आपको। नहीं नहीं बात ऐसी नहीं, जब एक जिक्र ही नहीं पिछले काय का जिक्र है उसका, अब तो घर से थोड़ी देर में चले जाते, घर से ढूंढ के भाग जाओ ना कुछ दिन के लिए और फिर आ जाओ। बस क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं विकास में, क्या रहे हैं? अरे मुद्दे तो इंशाल्लाह हमेशा सही रहे, जो कोई विकास है कुंदरी में मेरे हाथ का, छूटों का हाथ का थोड़ी है, जो आज ढपली बजा रहे हैं, कभी कराया कभी इन्होंने। योग क्या क्या योगी जी की सरकार में विधायक ना रहा हूँ 5 साल में, अगर कहीं 5 रुपये लगा दिए उन्होंने तो बताओ, जो हमारा विधायक विकास निधि थी उसी से जो काम कराना हो कराया। योगी जी मंच से लगातार कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो कुछ रहे क्या भाई, वो कुछ भी कहते रहे, अब मैं उनका ठेकेदार तो हूँ नहीं। अच्छा। वो क्या कह रहे हैं, वो ना कह रहे हैं कभी 400 बार कभी 80 बार कभी कुछ बार, उनका तो काम कहने का है, वो कहते रहेंगे अपने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और सुनो बटे बटे कटों को बढ़ दो, हमें इकट्ठा कर रहे हैं, वो खुद इकट्ठे हो रहे हैं क्या हमेशा, मतलब अरे हमसे मतलब एक कम्युनिटी को कहते हैं ना, हम कहते हैं अपनी कम्युनिटी को कहते हैं भैया इकट्ठे हो जाओ, तो इकट्ठे होने से हमें और इकट्ठा कर रहे हैं, हम तो खुद इकट्ठे हो रहे हैं। पीडीए परिवार को इकट्ठा कर रहे हैं, वो उनका कहना ये है, तो पीडीए परिवार इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा और इकट्ठा रहेगा। समाजवादी पार्टी के साथ इकट्ठा क्या स्वर्ण भी कहीं आता है क्या है, सभी आते हैं, अरे सभी आते हैं उसमें, पीडीए क्या मतलब बताए ना। अरे पीडीए तो वो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को और जो क्या नाम है आपके वही जो है क्या नाम अल्पसंख्यक सबको साथ लेकर चले, मैं तो कोई दिक्कत नहीं। अरे उनका पीडीए नारा है बस, बाकी सारी जातियों का जो है प्यार मोहब्बत और वोट की वो हमारे साथ है सब।